हेलो दोस्तों, अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी की रेसिपी। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इस तरीके से छोटा छोटा इसके पीस हमने कटवा लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से धो लिए हैं। ग्राइंडर करने के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। मिक्सर में हमने पीस लिया है, 1 किलो मीट में इसको मिला देंगे। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और 250 ग्राम करीब दही। अब इन सभी को इसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे। अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको। अच्छी तरीके मिलाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। ये देखिए पूरी तरीके से मिल चुका है, 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। आइए आगे का काम करते हैं। आइए दोस्तों, इसके मसाले हम तैयार कर लेते हैं। ये हमने 4 दाने लौंग के लिए हैं, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 6 से 7 दाने लाल मिर्च गोल वाले, बड़ी इलायची 2 और 3 छोटी इलायची, ये जायफर जावित्री का 1 टुकड़ा, 8 से 10 दाने काली मिर्च और कटे हुए बारीक प्याज। इन सभी को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला हमने पीस लिया है इस तरीके से। अब एक बर्तन में इसको निकाल देंगे, इसको निकाल के रख देंगे। अब इसी में 4 कटे हुए टमाटर हैं और इसको पीस लेंगे। टमाटर हमने पीस लिया है इस तरीके से। इसको पीसने के बाद 2 कप ऑयल डालेंगे इसमें। ये कटे हुए प्याज, हमने 4 प्याज लिए थे जिसको बारीक तरीके से काट लिया है। कुछ प्याज हमने इसे अलग कर दिया है, उसको फ्राई करेंगे तड़के के लिए। और ये जितनी प्याज हैं सारी इसको फ्राई करके रख लेना है। थोड़ा प्याज हम रख लेंगे, इसे बार बार चलाते रहिएगा। बीच बीच में हमने इसको चलाया कि जले ना हमारा प्याज। अब हमारी प्याज लाल हो चुकी है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। निकाल के इसको रख लेंगे। ये कुछ गरम मसाले हैं तड़के के लिए, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची जो इसे हमने तोड़ लिया है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है और इलायची 4 दाने, तेज़पत्ता, इनको सभी को इसमें डाल देंगे। जब ये हल्का भूरा हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे जो पहले से काट के रख रखे हैं। कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। इसको चलाते रहिए, जले ना। हल्का भूरा हो जाने के बाद इसमें हम पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। पिसा हुआ टमाटर पीस के हम पहले से रखे हुए हैं, इसको इसमें डाल देंगे। इसको भूरा होने दीजिए। हमारा टमाटर लगभग लाल हो चुका है। अब इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2-4 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से कि हमारा मसाला पक जाए। बीच बीच में मसाला चलाते रहिए इसको इस तरीके से कि कढ़ाई में लगे ना। अब इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। हमारा मसाला अच्छी तरीके से इसमें पक गया है। 2 चम्मच बिरयानी मसाला,
डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आधा चम्मच नमक और डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि चिकन में पहले से डाल रखे हैं। अब ये चिकन जो हमने पहले से इसको मिला के रखा हुआ है, अब इसको डालेंगे। आराम से चला लीजिए, गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। आराम से पहले इसको चला लीजिए, गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। गैस की फ्लेम अब लो नहीं करना है, इसको चलाते रहिए। इसको अच्छी तरीके से सिम में भून लेना है मसाले में। चिकन को बीच बीच में चलाते रहिए इस तरीके से। मसाले में डालने से जब चिकन को डाला जाता है मसाले के अंदर तो हल्का फुल्का पानी छोड़ता है। अगर पानी की आवश्यकता है तो एक कप पानी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद इसको चला के ढक के इसको छोड़ दीजिए धीमी आंच पे। ढक के इसे छोड़ दीजिए धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए। ये 1.5 किलो चावल हमने लिए हैं बिरयानी के लिए। ये बासमती चावल हैं, इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। और इसको पकाने से पहले 10 मिनट पहले इसको धो के रख दिया जाता है कि चावल थोड़ा सा फूल जाए। उसके बाद इसको भगोने के अंदर गैस पे चढ़ाया जाएगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन 80% पक चुका है। बाकी 20% इसको चावल में पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे। हमने पानी को उबालने के लिए पहले से रख दिया था। जब पानी गर्म हो जाता है तो इसमें कुछ ये 1 इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डालेंगे, जीरा, दालचीनी का 2 टुकड़ा, 5 लौंग, 2-4 पत्ते तेज़पत्ता, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। पानी को उबल जाने दीजिए, अब इसको ढक देंगे। आइए देखते हैं, पानी हमारा उबल गया है, भाप इसमें निकल रहा है। इसमें चावल डाल देंगे। इसमें मैंने कम से कम 2 लीटर पानी डाला है, 2 से 3 लीटर, क्योंकि जो चावल हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 किलो, इसको पकने आधा पकेगा कम से कम 80%, और 20% इसमें जब मीट डाल के पकाएंगे। इस पानी को हम निकाल देंगे, 80% पकने के बाद इस पानी को हम निकाल देंगे। उसके बाद इसमें मीट डाल देंगे, चला दीजिए बराबर से। अब इसे ढक के रख दीजिए। आइए एक बार चावल को फिर देख लेते हैं। 80% हमारा चावल पक चुका है। अब गैस की फ्लेम इसको बंद कर देते हैं। इसका जितना पानी है हम इसको निकाल लेंगे, चावल को छान लेंगे, उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे। इस तरीके से हमने सारा पानी इसका निकाल दिया है। 80% ये पक चुका है चावल, 80% मीट पक चुका है। 20% दोनों को पकना है तो एक साथ को पका लेंगे। आधा चावल इसको निकाल लेंगे बाहर, आधा चावल हम निकाल लिए हैं। ये भुनी हुई प्याज जो तल के रखा हुआ था हमने, इसको आधा हम डाल लेंगे इस तरीके से। कटी हुई हरी मिर्चे, ये गोल मिर्च थी हमने जो काट रखा बारीक, आप लंबे मिर्च यूज कर सकते हैं। धनिया बारीक कटे हुए डाल देंगे। अब इसमें मीट डाल देंगे, इसमें आधा मीट हम डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसमें चावल डालेंगे ऊपर से, आधा चावल जो हमने निकाल रखा आधा इसमें और डाल देंगे। अब बाकी बचा हुआ मीट डालेंगे, इसमें हरी मिर्ची, तली हुई प्याज, फिर धनिया। अब इसमें मीट सारा इसमें डाल देंगे, सबको डाल दिया गया। इसको बराबर से फैला देंगे मीट को चारों तरफ। अब इसके ऊपर से फिर चावल डाल देंगे, चावल को हम बराबर कर देंगे इस तरीके से। बची हुई प्याज जो हमारे पास बची हुई है सारा प्याज डाल देंगे चारों तरफ से, मिर्ची कटी हुई, बचा हुआ सारा धनिया डाल देंगे और इसको ढक देंगे।
20 मिनट के लिए। इसमें मैं कलर डालने जा रहा हूँ। खाने वाला कलर होता है ये। अब इसे ढक दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपकी बिरयानी तैयार। हमारी बिरयानी पक चुकी है। गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारी बिरयानी पक चुकी है, ये देखिए। एक बॉल में निकाल लेते हैं, एक बर्तन में ले लीजिए। हमारी चिकन बिरयानी तैयार है। स्वादिष्ट चिकन बिरयानी।